गुमला थाना पहुंच करैल एक मां ने थानेदार से गुहार लगाकर कहा, बाबू मेरा इलाज करा दो, और पीड़ित मां रोने लगी। देखिए क्या है पूरा मामला। मामला गुमला जिले के सदर थाने इलाके का है, जहां एक सरफिरे कलयुगी बेटे ने डंडे से पीट पीट कर अपनी मां को जख्मी कर दिया, जिसके बाद मां थाने पहुंची और थानेदार से इलाज कराने की गुहार लगाने लगी। वहीं आनंद फानन में थानेदार मनोज कुमार के द्वारा अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित महिला को घर पहुंचा दिया गया। ज्ञात हो कि यह पूरी घटना जिला मुख्यालय स्थित करम टोली स्थित गांधीनगर की है, जहां एक बेटे ने अपनी वृद्ध मां लगभग 60 वर्षीय मंजू देवी को पीटा है। शराबी एवं कलयुगी बेटा दीपक मुंडा के मार से घायल हो गई थी। अपना इलाज करवाने और अपने बेटे को समझाने के गुहार लेकर सदर थाना पहुंची। मनोज कुमार ने पुलिस पदाधिकारी को तत्काल निर्देश दिया और वृद्ध महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला लाया गया। इस दौरान पीड़िता वृद्ध महिला मंजू देवी ने बताया कि उसका बेटा दीपक प्रतिदिन नशा कर मेरे साथ मारपीट करता है। आज भी मेरे साथ लकड़ी से मारपीट की गई है, जिससे पैर में अंदरूनी चोट पहुंची है। महिला अपना बेटा पर यह आरोप लगाते हुए थाना आई, बोली कि मेरा बेटा मारपीट किया है, मेरा इलाज करा दीजिए और मेरा बेटा को समझा दीजिए। यही तो बात है। अभी मैं गुमला थाना में पहुंचता हूँ। क्या जी? सदर अस्पताल गुमला। क्या लगता है फिर उसके ऊपर कार्रवाई सब भी हो सकता है, क्योंकि माँ को मारना पीटना थोड़ा अपराध भी माना जाता है। देखिए, पहले तो हम लोग उसका बेटा को समझाएंगे, उसके बाद अगर नहीं करता है, नहीं समझता है, तो हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? SI कुलगारी। इधर पीड़िता ने थानेदार से बेटे को समझा बुझा कर एक मौका देने की बात कही। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।